एवरीवन, मायसेल्फ मोनिका, आई हैव कंप्लीटेड माय बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फ्रॉम आरके कॉलेज. सो टुडे विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद टीएनसी और मैंने कैसे नॉर्सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टीएनसी को और टीएनसी की पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगी. जस्ट बिकॉज ऑफ टीएनसी मैं इतना अच्छे से नॉर्सेट एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाई और सिलेक्शन भी हासिल कर पाई. मैंने 2021 नॉर्सेट एग्ज़ाम दिया जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 1014 थी. सो आई थिंक ऑल द क्रेडिट गोज़ टू टीएनसी एंड थैंक यू सो मच. जब मैं 2020 में आरके से पास आउट हुई थी मैंने उस साल भी नॉर्सेट का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, ना ही मुझे इतना अच्छा गाइडेंस या सपोर्ट या इतनी अच्छी कोई कोचिंग मुझे नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया एंड आई वॉज़ नॉट इवन क्वालिफाइड इन दैट एग्ज़ाम, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग रहा. देन मैंने डिसाइड किया कि मुझे नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है और बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन के साथ मुझे एग्ज़ाम देना है. फिर मुझे मेरे सीनियर्स के थ्रू मुझे टीएनसी ऐप के बारे में पता चला. मैंने इस टीएनसी ऐप को ज्वाइन करा. मैंने इनके वीडियो बेस्ड जो प्लान है और इनके साथ ही जो टेस्ट सीरीज़ है वो मैंने ज्वाइन करा. इनिशियली मैंने सिर्फ 1 मंथ का प्लान ज्वाइन किया था जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और उसके बाद मैंने 6 मंथ्स तक कॉन्टीन्यूसली टीएनसी के साथ में जुड़ी रही और उनके साथ मैंने प्रिपरेशन किया. जो वीडियो बेस्ड प्लान है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इसमें आपको रेगुलरली वीडियोस मिलते हैं और आपका जो थ्योरी पोर्शन है वो बहुत ही अच्छे से आपके कंप्लीट हो जाता है. आपको बहुत ही अच्छा थ्योरी का प्रिपरेशन मिलता है और बहुत ही अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं. जो मुझे टीएनसी का जो बेस्ट चीज़ लगा वो इनका टेस्ट सीरीज़ है, जो वाकई मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा मेरी प्रिपरेशन में, जिसने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया. मैंने इनका टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया. इसकी जो टेस्ट सीरीज़ है वो बहुत ही अच्छा रहा और इसमें आपको डेली 100 to 120 क्वेश्चंस का एक टेस्ट पेपर प्रोवाइड होता है, जिसमें आपको रेगुलरली आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं. एंड इसके बाद मैंने हर रोज़ ये टेस्ट को अटेम्प्ट किया. ऐसा कभी नहीं होता था कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई, और मैं रीप्रैक्टिस किया करती थी एग्ज़ाम की ताकि मेरे जहाँ पे भी मैं लैग कर रही हूँ मैं उसको अच्छे से कवर अप कर सकूँ. तो मैंने अकॉर्डिंग टू जो टीएनसी का जो भी स्केड्यूल होता था हर रोज़ का, उसी के अकॉर्डिंग मैंने 6 to 7 आवर की स्टडी रखी और मैंने हर रोज़ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया. मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस करने की कोशिश करी ताकि मेरे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का तरीका बहुत ही अच्छा इम्प्रूव हो जाए. और मुझे जो चीज़ मैंने अपने अंदर चेंजेस मैंने देखे टीएनसी ज्वाइन करने के बाद, मैं डे बाय डे इम्प्रूव किया और मैंने काफ़ी कॉन्फिडेंस गेन किया एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते वक्त. मैंने रेगुलरली टीएनसी की टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट किया बिकॉज ओनली थ्योरी को पढ़कर आप जो है एग्ज़ाम को इतने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे. आपको एग्ज़ाम का एक प्रॉपर लेवल, आपको उसका पैटर्न पता होना चाहिए. जो टीएनसी के टेस्ट पेपर्स होते हैं एग्जैक्टली जो नॉर्सेट का लेवल होता है वैसे ही क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे और आप उसको बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाएंगे. जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो टीएनसी के बारे में है कि इसमें डेली आपको आपकी रैंक मिलती है, आपको आपकी ऑल इंडिया लेवल रैंक मिलता है, जो कि जिसमें आपको डेली आपका सेल्फ इवैल्यूएशन देखने को मिलता है. आप हर रोज़ अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आप कितने अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप कितने अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, आप कहाँ लैग कर रहे हो. तो आप डेली अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं. एंड ऑल्सो देर इज़ अ टॉप 30 लिस्ट जो ये हर रोज़ प्रोवाइड करते थे, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मुझे लगता था, बहुत अच्छा लगता था, जिसमें हम अपने परफॉर्मेंस को जो टॉप 30 स्टूडेंट्स हैं, जो टॉपर्स हैं, उनके साथ हम अपने परफॉर्मेंस को भी कंपैरिजन कर सकते हैं, और जो कि बहुत अच्छा लगता था ताकि हम अपने परफॉर्मेंस को डे बाय डे अच्छा कर सकें. और जो क्वेश्चंस होते थे ऑलमोस्ट 2 to 3 बुक्स आपके इसी क्वेश्चन पेपर के टेस्ट सीरीज से कंप्लीट हो जाते थे. ऑलमोस्ट काफ़ी सारी कॉम्पिटिटिव बुक्स के क्वेश्चंस आपको टीएनसी के टेस्ट सीरीज में ही कवर अप हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको बहुत सारे बुक्स को बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी. आप सिर्फ टेस्ट सीरीज़ को ही अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस कीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा भी रहेगा.
वन मोर थिंग जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अबाउट टेस्ट सीरीज, दैट इज़ दी कंसिस्टेंसी और एक रेगुलरिटी मेंटेन करना इन योर एग्ज़ाम. आप हर रोज़ एग्ज़ाम दीजिए, हर रोज़ एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कीजिए और एक रेगुलरिटी मेंटेन रखिए. आप डेफिनेटली आपको सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा. और वन मोर थिंग, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी भोजराज सर को कि उन्होंने बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, गाइड किया. आई एम वेरी थैंकफुल टू सर. और हर रोज़ और 10 to 15 days में हमें एक वीडियो ज़रूर मिलता था सर का, जिसमें वो मोटिवेट करते थे, जो बहुत ही अच्छा लगता था. एंड जो भी लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम को देने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी, आप ज़रूर TNC को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, ऑलमोस्ट 4 months. सो दिस इज़ द टाइम यू कैन प्रिपेयर, और बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन आप TNC के साथ जुड़कर ज़रूर कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. आई होप कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, हेल्पफुल होगा. थैंक यू.